हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 8 क्लास 10 मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अब हम थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। ठीक है, तो देखो अगर आप एक ट्राइंगल लोगे ऐसे, ये 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। तो ये दोनों कितने होंगे, ये इसको ये मान लो, इसको बी मान लो, तो ए प्लस सी कितना आएगा, 90, राइट, क्योंकि ये 90 है, तो सम ऑफ ट्राइंगल्स एंगल्स आर 180, है ना। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 हो गया, मतलब कि ए कितनी होगी, अगर ये देखो ये थीटा मान लो, इसको एक्स मान लो थीटा, तो ये कितनी होगी, 90 माइनस थीटा, है ना, सही है क्या। ठीक है, तो फिर हमें मिला कि ए इज इक्वल टू थीटा, बी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखते हैं इसको। तो अब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ये देखते हैं, तो ये ए बी सी है, तो हम बोलेंगे साइन ए और साइन 90 माइनस ए। ठीक है, तो फिर ये हमने लिखा साइन ए इज इक्वल टू अपोजिट साइड, अपोजिट के अपोजिट साइड क्या है, रुको इधर ही लिख लेता हूँ। हाँ, तो साइन ए इज इक्वल टू अपोजिट साइड बी सी बाय हाइपोटेन्यूज ए सी, कॉस ए इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ए बी बाय ए सी, टैन इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड बी सी बाय ए बी, कोसेक ए इज इक्वल टू ए सी बाय बी सी, सेक ए इज इक्वल टू ए सी बाय ए बी, एंड कॉट ए इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। ठीक है, अब हम देखते हैं सी का। ठीक है, तो वापस ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी का, सी का क्या वैल्यू रखा था हमने, 90 माइनस ए। ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू, साइन ऑफ 90 माइनस ए क्या है, इसका साइन ए बी बाय ए सी, राइट। फिर कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी सी बाय ए सी, टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी, कोसेक ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू, कोसेक क्या होता है, उल्टा, तो ए सी बाय ए बी, सेक ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए सी बाय बी सी, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी सी बाय ए बी। ठीक है, अब इन देखो वैल्यूज में देखो क्या क्या इक्वल है, रुको इसको बंद कर देता हूँ। तो फिर ये देखो, यहाँ पर साइन ए किसके बराबर है, बी सी बाय ए सी, इधर क्या है, कॉस। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन मिल गया हमें कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। ठीक है, तो इसको बाद में एक्सप्लेन कर लूंगा, पहले लिख लेते सब कुछ। ठीक है, तो साइन ये मिल गया, तो ये साइन तो हो गया, तो फिर कॉस, कॉस किसके बराबर होगा इसमें, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, तो कॉस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। फिर आगे चलते हैं, फिर ये टेन देखो बी सी बाय ए बी, और कॉट है बी सी बाय ए बी, इसको थोड़ा सा ठीक कर दो, बी सी बाय ए बी,
BC पे AB है, तो cot and tan are equal, मतलब कि दोनों इक्वल होंगे ये हमें पता ही है. तो cot A is equal to tan 90 minus A and tan A is equal to cot 90 minus, रुको एक सेकेंड वापस चलाता हूँ. ठीक है, तुम कहाँ थे? cos A is equal to, ठीक, तो फिर हम थे tan A is equal to cot 90 minus A and cot A is equal to tan 90 minus A, है ना? तो फिर दोनों क्या बचे? sec और cosec. तो मतलब कि sec A is equal to cosec 90 minus A and cosec A is equal to sec 90 minus A. ठीक है, अब ये क्या बोल क्या रहा है? जैसे कि पहले देखते हैं, sin A is equal to 90 minus A, cos 90 minus A. तो ये बोल रहा है कि अगर sin theta इतना हो, sin अगर 30 हो, sin 30, तो फिर cos होएगा 90 minus 30, मतलब कि cos कितना होगा 60. बस A की वैल्यूज पुट करनी है. ठीक है, ये मतलब है इसका. तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज. इतना हमारा क्वेश्चन वन. क्वेश्चन वन है इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट साइन 18 बाई कॉस 72. ओके, तो हमने अभी पिछले में ही पढ़ा था कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए, या फिर कॉस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए. ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? साइन 18 दे रखा है हमें, तो उसको भी साइन के बराबर ला सकते हैं, राइट? अगर हमें साइन 18 दे रखा है तो साइन, अब कॉस कितना होएगा? 90 माइनस 72, है ना? एक सेकेंड, तो हेलो गाइस, अब शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.3. तो क्वेश्चन वन है फर्स्ट इवेल्युएट साइन 18 बाय कॉस 72. ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा था अभी साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए, है ना? या फिर कॉस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए. ठीक है, तो अगर हम साइन ले, हम दोनों को साइन और साइन इक्वल करना है, है ना? तो साइन हमारा दे रखा है कि 18 है. ठीक है, तो साइन 18 कॉस को बदलते हैं, राइट? तो कॉस 72 है, तो मतलब कि साइन कितना होएगा? 90 माइनस 72. तो ये आ गया साइन 18 बाय साइन 18, दोनों कट जाएंगे, इज इक्वल टू 1. तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, सच बोल रहा हूँ. ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अगला पार्ट. हमें दे रखा है कि टेन 26 बाय कॉट 64. तो टेन ए इज इक्वल टू 90 माइनस ए कॉट 90 माइनस ए, है ना? तो मतलब कि दोनों को सेम कर सकते. तो कॉट 90 माइनस टेन की वैल्यू कितनी थी? 8. तो 26 बाय कॉट 64, तो मतलब कि कॉट 64 बाय cot 64, दोनों कट जाएंगे, इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट. अब हम आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पर भी. तो ये काट देती है, काट काट देती है. ठीक है, तो हम आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पर. cos 48 माइनस साइन 42, ये भी बहुत सिंपल है. हमें पता है कि साइन a इज इक्वल टू cos 90 माइनस a, तो साइन 90 माइनस 48 माइनस साइन 42. ठीक है, तो साइन 42 माइनस साइन 42 इज इक्वल टू 0.
फिर हम देखते हैं हमारा फोर्थ पार्ट। तो हमारा फोर्थ पार्ट क्या है कि cosec 31 माइनस sec 59। ठीक है, तो देखते हैं तो cosec 31 माइनस sec 59, वापस से हमें पता है कि cosec a इज इक्वल टू sec 90 माइनस a, तो मतलब कि sec 90 माइनस 31 बाय sec 59 इज इक्वल टू sec 59 बाय, सॉरी माइनस था तो माइनस sec 59 इज इक्वल टू sec 59 माइनस sec 59 इज इक्वल टू 0। तो भाई अब हम चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन टू। तो क्वेश्चन टू देखते हैं। तो क्वेश्चन टू है शो दैट फर्स्ट पार्ट tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 ओके इज इक्वल टू 1। तो हम कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि tan 48 cot 90 माइनस 42, tan 42 को बदल रहे हैं यहाँ पर cot 90 माइनस 42 में, ये हमने देखा ही है। tan 23 और tan 67 को cot 90 माइनस 67। ठीक है, तो फिर आप इसको देखते हो। तो tan 48 cot 90 माइनस 42 कितना होता है 48, सो cot 48 tan 23 cot 90 माइनस 67 कितना होता है 23, तो cot 23। ठीक है, तो दोनों ये दो पार्ट्स हैं इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो tan 48 मतलब कि क्या होता है sin 48 बाय cos 48 है ना, और फिर cot क्या होता है tan का उल्टा। नहीं चलो इसको थोड़ा सा सिंपल करे तो देखो, ये है tan 48, cot 48 क्या होता है cot tan का उल्टा है, तो 1 बाय tan 48, cot 48 बाय 1 है ना, तो फिर अगर इसका उल्टा करेंगे तो tan में आ जाएगा, तो 1 बाय tan 48। ठीक है, तो ये tan 48 tan 48 कट गया तो 1 आ गया। अब इंटू tan 23 इंटू 1 बाय tan 23, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो अब देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारा cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। तो ये तो भैया बहुत सिंपल है, अगर इसको हम बदले तो sin 90 माइनस 38 इंटू sin 90 माइनस 52, ये वाला पार्ट देख रहे हैं सबसे पहले, तो ये क्या होएगा sin 52 sin 38। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रुको, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि sin 52 sin 38 माइनस sin का 38 sin का 52, ये दोनों सेम है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आएगा 0, तो ये भी प्रूव हो गया। हम देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ये भी बहुत सिंपल है भाई अगर समझो तो, तो tan 2a इज इक्वल टू cot मतलब कि tan 90 माइनस a माइनस 18, क्योंकि cot और tan इक्वल है ना, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो tan 2a इज इक्वल टू tan 90 माइनस a प्लस 18, मतलब कि अभी tan को हटा देते हैं क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज है, राइट। ठीक है, तो इनको हटा देते, तो 2a इज इक्वल टू 108 माइनस a, 3a इज इक्वल टू 108, a इज इक्वल टू 36 डिग्री एंड वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ a। तो क्वेश्चन नंबर फोर देखते, तो क्वेश्चन नंबर फोर है क्या, इफ tan a इज इक्वल टू cot b, वी हैव टू प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये भाई बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि tan a इज इक्वल टू cot b, cot को अगर हम tan देखेंगे तो क्या आएगा tan 90 माइनस थीटा, तो मतलब कि tan 90 माइनस b, राइट, तो tan 90 माइनस b। ठीक है, तो अब हम देखें, तो अगर ये 90 को इधर ही रखें तो tan
ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, अगर रीअरेंज करें तो टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, ये हमारा ये भी हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या आएगा, रुको एक सेकेंड, ठीक है, तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इफ sec 4a इज इक्वल टू cos sec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो ये भाई तीसरा क्वेश्चन जैसा ही है, तो sec 4a इज इक्वल टू sec को हम कैसे लिख सकते हैं, sec इन cosec को हम sec के टर्म्स में लिख सकते हैं अगर 90 माइनस कर दे उस एंगल से, राइट, तो 90 माइनस a माइनस 20, तो मतलब कि sec 4a इज इक्वल टू sec 90 माइनस a प्लस 20, sec sec को हटा देते क्योंकि दोनों सेम है, तो 4a इज इक्वल टू 90 110 माइनस a, 5a इज इक्वल टू 110, a इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, दो दो ठीक है 22 degrees, a is equal to 22 degrees, answer. भाई अब हम देखते हैं हमारा छठा क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन वो है if a and b and c are interior angles of a triangle, then we have to show that sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2. So a plus b plus c is equal to 180 degrees by angle some property. B plus c is equal to 180 minus a by transposing. है ना? अब अगर दोनों साइड्स को वो कर दे क्या बोलते हैं डिवाइड बाय टू, तो बी प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाय टू, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बी प्लस सी बाय टू दे रखा है और ए बाय टू दे रखा है, तो हम वैल्यूज को ना अपने आप ऐसे ले आते हैं, राइट, तो बी प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाय टू, ये हमें पता चल गया, तो मतलब कि साइन साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू, अब हम कॉस ए बाई टू को ना बदल सकते हैं, राइट, कॉस ए बाई टू को कैसे बदलेंगे, साइन 90 माइनस ए बाई टू, भाई 90 माइनस ए बाई टू को क्या बदल सकते हैं, बी प्लस सी बाई टू, तो साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी बाई टू, अब ये दोनों इक्वल है तो हेंस प्रूव्ड। तो भाई अब हम देखते हैं क्वेश्चन सेवन, तो क्वेश्चन सेवन है एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है, हमें इनको 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में लाना, बहुत सिंपल है भाई, तो हमें दे रखा है साइन 67 प्लस कॉस 75, मतलब कि कॉस 90 माइनस 67 प्लस साइन 90 माइनस 75, मतलब कि कॉस 90 माइनस 67 कितना होता है, 90 माइनस 67 होता है 23, तो 90 माइनस 75 होता है 15, तो ये हो गया 90 माइनस 75 15, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये दोनों 45 से नीचे, तो cos 23 प्लस sin 15 इज द आंसर एंड होल एक्सरसाइज कंप्लीटेड।